हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स की। कौन से चर्चा करने वाले हैं? वैद्युत फ्लक्स की, जो कि इंटर की पहले चैप्टर की टॉपिक है। ठीक, आइए आप लोगों के टाइम को नुकसान ना करते हुए आज की टॉपिक को चर्चा कर लेते हैं। और आज का उद्देश्य है, आज का नहीं, जितने दिन क्लास चलेगा इस चैनल का उद्देश्य है कि हर एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को ये टॉपिक आ जाना चाहिए। इसीलिए बहुत टूटी फूटी लैंग्वेजों में जो है आपको बताया जाते हैं, जिससे कि कह लिया जाए कि आसान लैंग्वेज में बताया जाता है कि जिससे कि आपको आ जाए। तो चलिए, उम्मीद करते होंगे कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे जुड़ गए होंगे उनके लिए उनका हमारे तरफ से धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े होंगे वो एक बार इसको क्लास को जो है शेयर करके जोड़ दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने कमेंट किया है, कोई अमन मिश्रा करके है, करा गुरुदेव आपको तहे दिल से धन्यवाद, आप जिस ऊर्जा के साथ हमें ज्ञान प्रकाश प्रदान करते हैं वो अतुलनीय है, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे। ऐसे प्यारे बच्चों को जो है, ऐसे जो कमेंट करने वाले बच्चे हैं उनको हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। और आप लोग भी ऐसे जो भी कोई भी टॉपिक न समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हम लोगों को कई प्रकार की, नहीं कह लिया जाए, अपार ऊर्जाएं मिल जाती हैं। चलिए, तो आज की टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आप करेंगे क्या, ऐसे इधर पहले रफली समझिएगा, ऐसे एक आवेश रख लीजिएगा। क्या रख लीजिएगा? एक आवेश रख लीजिएगा। अब आप जानते हैं आवेश से जो है विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। आवेश से क्या निकलती हैं? विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। आपको पता है धन आवेश रहेगा तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, ऐसे समझिएगा। ये धन आवेश हो गया तो इससे विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर की तरफ निकलेंगी। और अगर ऋण आवेश होता है तो इस पे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। ये बातें आपने पिछले वाले वीडियो में जाना है कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और ऋणावेश पे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? अंदर की तरफ प्रवेश करती। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, समझिएगा। कोई ऐसा पृष्ठ ले लेते हैं, मान लीजिएगा, आप ऐसे इमेजिन कीजिएगा जरा सा, वो विद्युत बल रेखाएं आप जान लिए। अगर एक कोई पृष्ठ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कोई एक पृष्ठ, ऐसे कोई एक पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक, ये कोई एक पृष्ठ ले लिए, आइएगा, ये कोई एक निकाय हो गया, ये कोई एक पृष्ठ हो गया। अब किसी, ये कोई पृष्ठ हो गया, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखा ई हम लोगों ने दिखा दिया, ये ऐसे समझिएगा जरा सा, ये विद्युत बल रेखा ई हो गई। ठीक, ये विद्युत बल रेखा ई हो गए। अब आप समझिएगा, ये कोई पृष्ठ हो गया, ये कोई बंद पृष्ठ हो गया, किसी बंद पृष्ठ के एक भाग से इसका एक भाग हम लोगों ने काट लिया, तो कटे हुए जो भाग की दिशा है, कटे हुए भाग की दिशा ये हो गए डी ए, ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो गया, और ये जो सूक्ष्म भाग है, इस सूक्ष्म भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया? डी ए हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये आपका ई है, ये आपका विद्युत बल रेखा ई है, और ये आपका डी ए है। अब आप यहाँ से समझिएगा क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से, हमने क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ के एक भाग से, किसी बंद पृष्ठ के एक भाग से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई इसे निरूपित करते हैं। देखिए, ये पूरे पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा गुजर रही है, पर वो वैद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएगी, इसके किसी एक भाग से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो ध्यान से समझिएगा, अब यहां से हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन, किसी बंद पृष्ठ के सूक्ष्म भाग डीए है से होकर गुजरने वाली
गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब इस सूक्ष्म भाग डीए से यदि माना पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, माना सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल बराबर डीए और विद्युत बल रेखाओं की संख्या ई। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो इससे होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होगी उसका फार्मूला क्या होगा? तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए। फाई ई बराबर ई इंटू कितना हो गया? डी ए। तो ये हो गए आपके वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। अब यदि ई और डी ए के बीच का कोण क्या हो? थीटा हो। यदि ई व डी ए के बीच का कोण थीटा हो तो तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ डी ए है तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये ठीक। यदि यहाँ विशेष स्थिति आप लगा सकते हैं। विशेष स्थिति क्या है? पहला, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यदि थीटा बराबर जीरो हो तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, यहाँ कास थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? कास जीरो अंश। और कास जीरो अंश का मान कितना होता है आपका? कास जीरो अंश का मान कितना होता है? एक होता है। आप जब यहाँ पर रख देंगे तो फाई ई बराबर ई इंटू कितना आ जाएगा? डी ए, क्योंकि कास जीरो अंश का मान एक, तो ये हो गया फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ये दूसरी स्थिति आप क्या लिख सकते हैं? यदि थीटा जो है आपका क्या हो जाए? 180 हो जाए, या थीटा क्या हो जाए? 90 हो जाए, 90 अंश हो, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना है? 90 है, तो कॉस 90 अंश का मान जीरो हो जाएगा। तो कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ एक मिनट, एक स्टेप और लिखते हैं। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए कॉस 90, और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो फाई ई बराबर भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जब थीटा 90 हो जाएगा, ई ए और डी ए के बीच का जो कोण 90 हो जाएगा, तब वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जब आप थीटा 180 अंश रख दोगे तो 180 अंश का मान ऋणात्मक होता है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर माइनस ई इंटू ए हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इस प्रकार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 चल। अब डियर स्टूडेंट, मोस्ट बातें जो कि आपको ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछता है, कई बार पूछा गया है
कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा बताइए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा, तो सबसे पहले आइए हम लोग मात्रक निकालते हैं, फिर उसकी क्या निकाल लेंगे, बीमा निकाल लेंगे। तो आइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक, फाई ई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, ई देखिए कहाँ फॉर्मूला, ई इंटू डी ए, तो ई का मात्रक, ई का मात्रक इंटू किसका हो जाएगा, डी ए का मात्रक, इंटू डी ए का मात्रक, ध्यान से समझिएगा। अब ई, ई का मात्रक, अब ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो आपने विद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलम, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, तो कूलम को बटे में लगा दिए, न्यूटन बटे कूलम, ठीक। उसके बाद इंटू डी ए, तो डी ए का, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसे मीटर स्क्वायर कर दिए, तो क्या बन गया, न्यूटन को एन से, मीटर को स्मॉल एम से, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो गया, कूलम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको इसको एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अब क्या चर्चा करते हैं, वैद्युत फ्लक्स की बीमा, तो फाई ई की बीमा, तो फाई ई की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, ई की बीमा, ई की बीमा और इंटू कितना हो जाएगा, डी ए की बीमा, डी ए की बीमा, ध्यान से समझिएगा। अब ई की बीमा क्या होती है, ई की बीमा, तो ई बराबर आपने पढ़ा एफ बटे क्यू नॉट, तो की बीमा हो जाएगी, और इंटू डी ए, तो डी ए का बीमा क्या होता है, क्षेत्रफल, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या तो इसकी बीमा आप डायरेक्ट रख सकते हो एल के पावर टू, एल के पावर टू रख दिए इसकी बीमा, क्यों, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई। अब एफ, एफ की बीमा होती है एम एल टी पावर माइनस टू, और क्यू नॉट आवेश है, आवेश की बीमा ए टी हो गई, ठीक। और इधर क्या आ गया, एल स्क्वायर हो गया, एल के पावर टू, ध्यान दीजिएगा, दो और एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एल के पावर थ्री हो जाएगा, दो और एक जुड़ के थ्री हो गया, फिर ये ऊपर चले जाएंगे, तो ये ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस एक होगा, पावर माइनस एक और पावर माइनस दो करके पावर माइनस तीन हो गए, ए ऊपर चला गया तो ए के पावर माइनस वन, तो इस प्रकार वैद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र एम एल क्यूब टी पावर माइनस थ्री और ए इनवर्स होता है। तो ये आपका आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आगे तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और आपके लाइक से, आपके कमेंट से एक एनर्जी मिलती है हम लोगों को, तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।